अप्रोच टू पेशेंट क्या है, इन्वॉल्विंग मल्टीडिसिप्लिनरी करते हैं। एक ही पेशेंट में हम सब कुछ ट्रीट करते हैं, हम भैया किडनी भी देख लेंगे, हम डायबिटीज भी देख लेंगे, हम लिपिड्स भी देख लेंगे, बट नहीं, देयर शुड बी अ कोलैबोरेटिव केयर। जो किडनी का पेशेंट है भैया रिफर करिए टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट, रिफर टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, एक कोलैबोरेटिव केयर वुड इंप्रूव द पेशेंट्स हेल्थ सिस्टम। देन इनहेंसिंग फिनिशर्स फिजिशियन अवेयरनेस एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलर ट्रेनिंग शुड बी देयर फॉर ईच एंड एवरी फिजिशियन। आप सीएमई में जाइए, देयर शुड बी प्रॉपर गाइडलाइन कि फिजिशियन को रेगुलर ट्रेनिंग जाना है ऑन द रिसेंट गाइडलाइंस, ऑन द रिसेंट मैनेजमेंट अप्रोचेस। देन केस बेस्ड लर्निंग शुड ऑल्सो बी देयर। देन यूटिलाइजिंग स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, यस, डॉक्टर को पता होना चाहिए कि एडहेरेंस टू द गाइडलाइंस इज अ मस्ट। कि गाइडलाइन में अगर लिखा है कि भैया इतने ऊपर इंसुलिन चालू करना है HbA1c पे, तो यस, अ डॉक्टर हैज टू इनिशिएट इंसुलिन एट एनी एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ HbA1c। हमारे पास 13 मोर देन 13 के HbA1c का पेशेंट आते, तो हम क्या करते हैं भैया, then education and empowerment and then cultural competence should also be there, and then leverage technology in clinic care should also be included. Dr. Amit Day, telemedicine, remote monitoring, electronic health records, and then AI assisted diagnosis should also be inculcated in the management, and then system level interventions. I'll quickly not move into the time ho gaya. And to conclude, a holistic approach to clinical inertia should be maintained. Integrated strategies should be applied, patient-centered focus treatment should be applied, continuous improvement should be there, and then long-term impact would see automatically कि आप ये सब एक साथ करेंगे तो long-term impact would be beneficial for the patients. So the pillars of overcoming therapeutic inertia, certainly research, 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 guidelines, guidelines, guidelines. Do read the guidelines, do read the latest research, और आप उसको apply करिए, you will find the results very quickly.